अब क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखिए बच्चों, इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक रिएक्शन दिया हुआ, ठीक है। इसमें कह रहा है कि अगर इनिशियल रेट जो है ए घटने का, ठीक है, ए घटने का जो इनिशियल रेट है, मतलब टी इक्वल्स टू जीरो पर जो रेट है ए घटने का, वो दे रखा बच्चों 2.6 इंटू 10 पे पावर -2। एम का मतलब है मोल पर लीटर, ये मोलरिटी बच्चों, मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स। मतलब ये यहाँ से भी पता चल रहा कि रिएक्शन बच्चों इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन दे रखा यूनिट, इसलिए ये एक्वस फेज का रिएक्शन है। खैर उससे हमें मतलब नहीं है कि रिएक्शन एक्वस फेज का है या गैसियस फेज का है, हमें क्या करना है, कह रहा क्या कि बताइए टी इक्वल्स टू जीरो पर ही, टी इक्वल्स टू जीरो पर ही बी किस रेट से घट रहा होगा। तो आप अगर यहाँ से देखें बच्चों, तो ये तो आप कोफिशिएंट से बना सकते हैं सीधा सीधा। अब यहाँ पे देखें कि अगर ए का कोफिशिएंट 1 है तो बी का कोफिशिएंट कितना बच्चों 2 है। इसका ये मतलब हुआ कि अगर ए का जितना मोल घटेगा उतना ही टाइम में बी का कितना मोल घटना पड़ेगा बच्चों, 2 मोल घटना पड़ेगा। कितना घटना पड़ेगा, 2 मोल घटना पड़ेगा। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ए जिस रेट से घटेगा, ए जिस रेट से घटेगा बी डबल रेट से घटेगा। इसका मतलब अगर एक सेकेंड के अंदर, इस यूनिट को ध्यान दें, इसका क्या कहने का मतलब है, ये एक्चुअली यूनिट ये बताना चाह रहा है कि एक सेकेंड में ए का 2.6 इंटू 10 टू द पावर -2 मोल घट जा रहा है। इसका मतलब इतना ही सेकेंड में ये कितना घट जाएगा बच्चों, तो इसका डबल घट जाएगा। इसका मतलब इसका डबल अगर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 5.2 इंटू 10 टू द पावर -2 सेकेंड इनवर्स हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, आंसर तो यहाँ से ऐसे पता चल ही गया हमारा कि सी होगा, लेकिन अगर इसको कोई बनाना चाहे तो वो ऐसे करके सॉल्व कर सकता बच्चों। इसका सॉल्यूशन कोई निकालना चाहे तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। कि इसको क्या करना होगा बच्चों, कि हम जब पढ़ाए रहे थे थ्योरी, तो उस समय आपको बताए थे कि जब भी -dA/dt या इस तरीके का कोई भी टर्म पूछे या क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है, तो हमें क्या करना होगा बच्चों, कि पहले दिए गए रिएक्शन का डिफरेंशियल रेट लॉ लिख लेना है। अब सोचिए अगर हम यहाँ पे डिफरेंशियल रेट लॉ इस रिएक्शन का लिखें, तो ये आएगा हमारा -dA/dt बराबर, फिर से करना होगा बच्चों, यहाँ कोएफिशिएंट 2 है तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू करना होगा -dB/dt। आप चाहें तो और भी इक्वेट सबको कर सकते हैं बच्चों, लेकिन हमें यहाँ पे देखने से ये लग रहा है कि यहाँ पे जरूरत है ए का और बी का, ठीक है। सी और डी के बारे में ना तो कुछ पूछा गया है और ना ही दिया हुआ है, इसलिए हम फर्दर उसका एक्सप्रेशन लिखने से बच रहे हैं ताकि हमारा टाइम थोड़ा बहुत सेव हो सके। अब आप यहाँ पे देखें, ये जो -dA/dt है बच्चों, ये क्या है, एक एक घटने का रेट है और ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है। कितने टाइम पे दे रखा है, t = 0 पे, तो 2.6 मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें 10 पे पावर -2। अब ये इक्वल हो जाएगा 1/2 और माइनस आ जाएगा बच्चों यहाँ पे कितना, dB/dt। तो अब अगर यहाँ से देखें तो हमें निकालना बच्चों माइनस का dB/dt, ये वैल्यू हमें निकालना है। तो यहाँ से 2 को क्या करना होगा बच्चों, मल्टीप्लाई कर देना होगा। तो आप अगर देखें तो ये आ जाएगा माइनस का dB/dt, ये इक्वल हो जाएगा बच्चों 2 इंटू 2.6 इंटू 10 पे पावर -2 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे देखें तो ये पूरा सॉल्व करने के बाद कितना रहा, ये आ जाएगा 5.2 इंटू 10 पे पावर -2 और यूनिट तो बच्चों सेम रह जाएगा, मोल इन मोल हो जाएगा पर लीटर और ये आ जाएगा सेकेंड इनवर्स। तो आप इस तरीके से देखें तो भी आपका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, सी आ जाएगा।